उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से मामला सामने आया। लव जिहाद का बेहद हैरान कर देने वाला ये पूरा वाक्या जिसने सबको चौंका दिया है। यहाँ लव जिहाद गैंग का बेहद खौफनाक चेहरा सामने आया। कुशीनगर में एक लड़की से पहले रेप किया गया, इसका वीडियो बनाया गया। पहचान छिपाकर प्यार करने और ब्लैकमेल करने के आरोप लगे हुए हैं। जाल में फंसाकर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया, बकायदा धमकियां दी गई। वो सबूत आपके सामने हम रखेंगे। व्हाट्सएप चैट के स्क्रीन शॉट्स हैं, वो सामने रखकर आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये पूरा कुचक रचा गया, कैसे धमकी दी गई। गैंगरेप कर लड़की को जिस्म फरोशी से जुड़े गैंग को बेच दिया गया। उसके बाद लड़की ने रो रो कर अपनी आपबीती सुनाई है। लड़की ने क्या कुछ कहा और किस तरीके से पहचान बदलकर उसको झांसी में फंसाया गया। धमकी दी गई कि मुस्लिम बन जा नहीं तो टुकड़े कर देंगे, श्रद्धा जैसा हाल करूंगा, याद है ना वो कांड। ये सारी बातें व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स में। तो कुशीनगर में जो मामला सामने आया है वो बहुत हैरान कर देता है। अमन खान, आरोपी का नाम अमन खान है और इसका खुलासा खुद उस पीड़िता ने किया। उसने बताया कि आखिर किस तरह से उसके साथ में बर्बरता की गई, बर्बरता कैसे उसको लगातार उसके साथ गैंगरेप हुआ। कुशीनगर में लव जिहाद मामले में जो बड़ा खुलासा हुआ है, आरोपी अमन खान का चैट सामने आया है। आरोपी अमन खान ने इस चैट में बाकायदा उस पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी है। और ये चैट देखिए, और इसमें साफ तौर से लिखा है, मुस्लिम किसी से नहीं डरते, धमकी भी दी, मुस्लिम बन जाओ या टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। ये चैट की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, देखिए कैसे बाकायदा उसे मुस्लिम बन जा, टुकड़े देख, अपने ये तमाम बातें उसने इस चैट के जरिए कही और लड़की को बार बार धमकाया, गैंगरेप कर उसका वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल करता रहा। तो ये व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट शिक्षिक कर रहे हैं कि किस तरीके से धर्मांतरण के लिए दबाव डाला गया। देखिए जो चैट आपके स्क्रीनशॉट टेलीविजन स्क्रीन पर है, जिसमें कहा गया मुस्लिम बन जा या टुकड़े देख अपने, तुझे गायब करूंगा अब किडनैप करके। फिर एक और चैट का स्क्रीनशॉट देखिए, अगर तू इस बार किसी से कुछ बोली तो मैं तेरी पूरी फैमिली को मार दूंगा। तो आप देखिए, ना सिर्फ पीड़िता को मारने की धमकी बल्कि ये भी धमकी दी गई कि पूरे परिवार को जान से मार देंगे। ये इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा। बिल्कुल, और जो तमाम बातें सामने आई, हम आपको पीड़ित लड़की की पूरी दास्तां खुद उसकी जुबानी सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको वो चैट देखना भी जरूरी है जो अमन खान के साथ में इसकी बातचीत थी और किस तरह से अमन लगातार उसे धमकी दे रहा था। जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं उसमें लिखा है, अगर तुम इस बार किसी से कुछ बोली तो तुम्हारी पूरी फैमिली का मर्डर करवा दूंगा। तुम जानती हो कि कितना पैसा है हम लोगों के पास, मैं कुछ भी करूं पैसे के दम पर निकल ही जाऊंगा। ये धमकी दी है उस आरोपी ने। आगे आप देखिए क्या कुछ और लिखा है उसने कि अगर किसी से कुछ बोली तो तेरे बाप को हम लोग कैसे भी किसी भी केस में फंसा देंगे और तुझे भी गोली मार देंगे, सबको मार देंगे। हम मुस्लिम किसी से डरते नहीं, आखिरी लाइन आप देखिए, हम मुस्लिम किसी से डरती नहीं। फिर अब शब्दों का इस्तेमाल, और वो शब्द हम आपको जस का तस दिखा भी नहीं सकते। उसके बाद लिखा जाता है, आप देखिए, समझी तू। तो ये सिर्फ एक चैट है। अब एक और चैट आपके सामने रखते हैं। आरोपी अमन खान यहीं पर नहीं रुकता है, लड़की को वो धमकी क्या देता है वो आप देखिए आपके सामने हम रखते हैं। और धमकी में दो टूक शब्द है कि इस बार अगर किसी से कुछ बताई तो तेरे टुकड़े कर देंगे, कई टुकड़े। बिल्कुल, और ये भी कहा कहीं नहीं, कोई काउंट भी नहीं कर पाएगा, समझिए, और जो मैंने तुम्हारे साथ फोटो ली थी उसको भी वायरल कर दूंगा, ब्लैकमेल करता रहा ये। अमन ने आगे लिखा है, जितना तुम्हें चाकू दिखा दिखा कर मार मार कर जो भी बोला था वो तुमने किया था और वैसे ही बार बार तुमसे करवाऊंगा। आगे लिखता है, मुस्लिम बन जा या टुकड़े देख अपने, तुझे गायब करूंगा, अब किडनैप करके तेरा रेप करूंगा। ये सीधे सीधे वो तमाम सबूत हैं जो दर्शा रहे हैं कि कैसे ये धर्म परिवर्तन करवा कर किस तरह से उसे मुस्लिम बनने का दबाव बना रहा था। इतना ही नहीं बल्कि चाकू के नोक पर उसके साथ में रेप किया जाता है और फिर उसे ब्लैकमेल किया जाता है। राकेश, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला मामला है। बिल्कुल, और उसके बाद धमकी दी जाती है कि श्रद्धा का केस याद रखो, वैसे टुकड़े कर देंगे, मुस्लिम बन जा। ये भी उस चैट में है कि मुस्लिम की ये पावर है, ये दिखाया जाता है। लेकिन अभी आप सुनिए कि पीड़ित लड़की ने आरोपी अमन खान पर क्या आरोप लगाए। लड़की की जुबान, मुझे गाड़ी में बैठवाता है, गाड़ी में खींच के बैठा के ले लेते हैं सब, दो लोग रहते हैं सब, अमन खान और आशुतोष वर्मा। फिर अमन खान वो मुझे गाड़ी में बैठा के ले जाके गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के पास ले जाके, अमन खान मेरे साथ गलत करता है, वहां पे गलत करने के बाद वो
वीडियो बना लेते हैं सब, मेरा कहते हैं सब वीडियो वायरल कर दूंगा वायरल कर दूंगा, बोल रहे थे सब कि मेरा धर्म अपना लो, अगर मेरा धर्म नहीं अपनाती हो तो 36 टुकड़े काट दूंगा। फिर मैं डर सहम गई, इसके बाद मैं किसी से कुछ नहीं बता रही थी डर के मारे। फिर ये सब होने के बाद मुझसे आए दिन बोलता रहा मेरा धर्म अपना लो नहीं तो 36 टुकड़े काट दूंगा। और यहाँ तक कि गौमांस गाड़ी में एक बार और बैठा के मुझे गौमांस खिला रहे थे सब, उसकी पूरी फैमिली मुझे गौमांस खिला रही थी। नहीं मैं धर्म नहीं अपनाना चाह रही थी, फिर भी वो लोग मेरे साथ मारपीट किडनैप करके नेपाल ले जाके बेच दिया। वो भी इन्हीं के आदमी थे, जिसको मैंने देखा था वो इन्हीं का आदमी था जो मुझे वहां तक बहला फुसला के ले गया, कहा कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ है। अब बहला फुसला के वहां तक ले जाने के बाद गाड़ी में चार लोगों ने मुझे खींच लिया, खींच के लेके जाने के बाद वहां पे मेरे साथ बलात्कार किया। जब जब मैं होश आया तो जब गाड़ी में उन लोगों ने खींच लिया तब मुझे कुछ सुंघा दिए, सब होश बिल्कुल नहीं रहा। उसके बाद मुझे होश आया वहाँ पे, होश आने के बाद उन चारों ने गलत काम किया। फिर अमन ये बोला कि अमन अमन ने तुमसे मजे लिए, हम भी मजे ही ले रहे हैं। तो आपने सुना, ये पीड़िता थी और उसकी आवाज में वो दर्द साफ तौर से है, वो गुस्सा साफ तौर से है। आपने उसकी आप बीती सुनी, एक बार नहीं कई बार उसके साथ में गैंगरेप किया गया, उसे बेच दिया गया, उसे गौमांस खिलाने की कोशिश की है, ये तमाम बातें सामने आई। और इसमें बल्कि एक आरोपी नहीं अमन खान का पूरा परिवार भी शामिल है। कुशीनगर मामले में पीड़ित लड़की के पिता ने बड़ा आरोप लगाया है। पीड़ित लड़की के पिता का आरोप है कि हिंदू बनकर उनकी बेटी को फंसाया गया, जबरदस्ती चाकू के दम पर रेप किया गया, धर्मांतरण का जबरदस्ती दबाव बनाया गया, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। आपको बता दें, इस पूरी घटना में एक रैकेट के शामिल होने की जानकारी मिली है। आप समझिए किस तरह से कुशीनगर से नेपाल तक ये पूरे तार जुड़ जाते हैं, क्योंकि जो पीड़िता है उसने ये आरोप लगाया है कि उसे नेपाल में भेज दिया है। और बड़े गंभीर आरोप पीड़ित पक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। पीड़िता के पिता ने क्या कहा है वो सुनिए। वो बोला कि हिंदू है, उसके बाद हिंदू बनकर उसके साथ कई बार बलात्कार किया, और उसके बाद बाप को पता चला मेरी बेटी को कि मुस्लिम है, तो उससे दूरी बनाने लगी। और वह जबरदस्ती चाकू के नोक पर ये सब धमकाता रहा, डरवाता रहा कि मुस्लिम को, हम लोग मुस्लिम भाई बहुत पैसे वाले हैं और हम लोग का बहुत साम्राज्य है। उसके बाद मेरी बेटी को ये क्या किया कि वीडियो बनाया, नेट पर लोड करने की धमकी देता रहा, कहा कि नहीं आओगे तो अपने घर पर बता दोगे, अपने मम्मी पापा को चाहे किसी को बता दोगी तो हम नेट पर लोड कर देंगे। उसका मेरे बेटी के साथ दुरुपयोग करता रहा। इन लोगों का एक गैंग रैकेट चलता है, जिससे मेरे बेटी को एक दिन 1 जुलाई को बुलाए और 6 महीना से यह बलात्कार करता रहा मेरे बेटी के साथ। मेरी बेटी का न्याय मिले, नहीं तो हम जान देंगे, हाथ धोते पूरा परिवार कर लेंगे। न्याय नहीं मिला तो उनको फांसी सजा हो, क्योंकि मेरी बेटी के साथ अन्याय किया। और थाने के लोग सब पर उनको पैसे वाला आदमी है प्रभावित कर लिया है, और थाने के लोग उसी की बात सुनते, मेरा बात कोई नहीं सुनता। मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला तो सब लोग जान का जान देंगे, हाथ धोते कर लेंगे। तो पीड़ित लड़की के पिता को आप सुन रहे थे, वो रो रो कर बता रहे हैं कि किस तरह से उनके साथ में ये पूरा बर्ताव किया गया है, उनकी बेटी के साथ में अन्याय हुआ है। हालांकि आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है अमन खान, लेकिन अमन खान के साथ में उसका पूरा परिवार शामिल है, इससे ये स्पष्ट हो जाता है एक बड़ा रैकेट इसमें शामिल है, ये स्पष्ट हो जाता है। तो इस पूरे मामले में पुलिस जांच भी कर रही है। पुलिस का दावा है कि शिकायत मिलने के बाद वो लगातार एक्शन में है, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ चल रही है। तो ये पुलिस की ओर से कहा गया, लेकिन जिस तरीके से लड़की का बयान, लड़की के पिता के आरोप, व्हाट्सएप चैट के जो स्क्रीनशॉट्स आए हैं, उससे जाहिर होता है कि क्रूरता की हदें कैसे इस पूरे मामले में पार की गई। प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय में पीड़िता के 164 CRPC के बयान कराए गए तथा मुख्य अभियुक्त अमन को दिनांक 8 जुलाई को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, जिसे जेल भेजा जा चुका है। प्रकरण में सभी तथ्यों, सभी पहलुओं, सभी पक्षों पर गहनता से विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। तो आपने पुलिस को अभी सुना, पुलिस किस तरह से एक्शन ले रही है। और मनीष यादव इस समय हमारे साथ में जुड़े हैं। मनीष, कुशीनगर का ये मामला बहुत हैरान कर देता है।
अमन खान जो मुख्य आरोपी है वो तो पुलिस गिरफ्त में है। चैट सामने आई है, धर्म परिवर्तन के दबाव बनाने की बात कही गई, हिंदू बेटी को गौमांस खिलाने की बात की गई है, बार बार रेप कर उसे ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है, और किस तरह से तमाम तार इस पूरे मामले में जुड़ते हुए और खुलते हुए नजर आते हैं। देखिए, अमन खान अगर अमर बनकर किसी लड़की को फंसा रहा है तो इस पीछे बड़ी साजिश नजर आ रही है। जो पुलिस के सूत्रों से जानकारी मिली है, इसके तार कुशीनगर हाटा से के अलावा नेपाल से भी जुड़े हुए हैं। कुछ लोग हैं जो सीमा पार से ऐसी चीजों को अंजाम देने की कवायद कर रहे हैं, जो दारुल गजवाए हिंद बनाने की, दारुल इस्लाम बनाने की जो कवायद है उसमें लव जिहाद भी एक ऐसा कारण है, जिसके चलते ये तमाम ऐसे लोग ऐसे युवाओं को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उन्हें पैसे देकर, उन्हें डरा धमकाकर या फिर रेडिकलाइज करके इन चीजों को अमल करवाने की कवायद करवाते हैं। पुलिस इस दिशा में भी जांच कर रही है, क्योंकि नेपाल का कनेक्शन सामने आया है। जो अमन खान है उसने इस लड़की को नेपाल में बेचा था, नेपाल में वो कौन लोग थे जिनके वो संपर्क में था, और क्या इस तरह से लड़कियों को यहां से बहला फुसलाकर अपने कब्जे में लेकर नेपाल तक बेचने की ये कोई पहली घटना है या फिर एक सिलसिला है, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है जिसके चलते नेपाल में लड़कियों को बेचा जाता है। तो पुलिस इन सारे पहलुओं पर जांच कर रही है, सबके बयान दर्ज कराए गए हैं, तीन लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो गई है, अमन को भी कोर्ट में पेश कर दिया गया है, इसके अलावा दो जो उनको भी आज गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस बाकी लोगों तक भी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है, साथ ही नेपाल और हाटा का जो कनेक्शन है इसमें कितनी कड़ियां हैं, कितने लोग और इन्वॉल्व हैं, जो बड़ा नेटवर्क है, जो गैंग के रूप में काम कर रहा है, जो लड़कियों की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है, उन तक पहुंचने की कवायद भी पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। तो अभी जांच जारी है, पहली कवायद जो है इस गैंग की नेटवर्क की कड़ियों तक पहुंचने की, और उस दिशा में पुलिस जांच में जुटी हुई है। ठीक है मनीष, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है, कुशीनगर से लेकर नेपाल तक।